गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको नए नए टॉपिक से रूबहू कराया जा रहा है। रूबरहू मतलब इसका मतलब क्या होता है, परिचय कराया जा रहा है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, वीडियो के माध्यम से ज्ञान हो, मजा हो, आनंद हो। जैसे हो आप इस वीडियो में बने रहिए। आज का टॉपिक संवेदनशील भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच संबंध लगातार जो है वो मतलब कोविड-19 के कारण और भी दो चार स्पेशल जो बिल आए उस बिल के बारे में इस विषय पर डिस्कस होगा। टॉपिक है संघवाद की कमजोरियां और उभरती चुनौतियां। भारतीय संघवाद क्या है, संघवाद एकात्मक लक्षण क्या है, दोनों के बारे में कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, बने रहिए इस चैनल में अंतिम तक, तब तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि चर्चा है क्या है कि भारत में कई राज्यों ने भारतीय संघवाद को लेकर बढ़ते संकट के बारे में मतलब शिकायत किया है। उनका कहना है कि संघवाद कमजोर हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बहुत से ऑर्डिनेंस और बहुत से विधेयकों के बारे में तर्क दिया कि जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, जो अध्यादेश लाया जा रहा है और जो विधेयक है, उसकी जो कानूनी प्रकृति है, जो कानूनी जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं राज्यों पर अतिक्रमण कर रहा है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है केंद्र के द्वारा, जो संविधान के संघ ढांचे के लिए बहुत ही बेहतर नहीं माना सकता है, मतलब संकट की स्थिति को दिखा रहा है। तो भारतीय राज्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख संघीय मुद्दे आखिर क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको जीएसटी से संबंधित बातें बताता हूं। जीएसटी वस्तु और सेवा कर से कम जो उसके कम राजस्व की भरपाई के लिए अपनी कानूनी प्रतिबद्धता से केंद्र सरकार के द्वारा हाथ खड़ा कर दिया गया, और केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि कम राजस्व जो है वो एक्ट ऑफ गॉड का परिणाम है, जिसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी अधिनियम के अनुसार, जीएसटी एक्ट के अनुसार, राज्यों को वर्ष 2022 तक समाप्त होने व ठीक है समाप्त होने पर या होने वाले से पहले 5 वर्षों के लिए 14% वृद्धि, यानी आधार वर्ष 2015-16 था, से नीचे किसी भी राजस्व की कमी के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी प्रदान की गई थी। तो क्या हुआ वह गारंटी का, जो कंपेंसेशन की बात की गई थी जीएसटी के लागू होने के पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा, अब केंद्र सरकार ने कोविड-19 के महामारी का बहाना देते हुए, हवाला देते हुए इसे एक्ट ऑफ गॉड घोषित किया और राज्यों को अब जो कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति जो मिलना था, 14% की रफ्तार से जो वृद्धि हो रही थी राज्यों के राजस्व में, उसमें जो कमी आई है उसका भरपाई कौन करेगा। अब आते हैं और कुछ बातें। देखिए, सरकार राज्य सरकार की शक्तियों में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ प्रयत्न किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, हालिया कृषि अधिनियम जो कि किसानों के कृषि बाजार समिति यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के बाहर अपनी उपज बेचने को अनुमति देता है और अंतर राज्य व्यापार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं, राज्य सूची का अतिक्रमण कर दिया है। राज्य का कहना है कि यह राज्य सूची का विषय था, APMC केंद्र ने नए कानून लाकर, नए परिवर्तन लाकर इसमें पूरी तरह से इसको तोड़ मोड़ दिया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्ट 33 में व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, एक उद्योग के घरेलू और आयातित उत्पादों की आपूर्ति और वितरण, तिलहन और तेल, इसके अलावा खाद्य पदार्थ, पशुओं का चारा, कपास, जूट, सबका उल्लेख किया गया है, समवर्ती सूची में है ये सब। हालांकि यदि खाद्य पदार्थों का पर्याय माना जाता है, कृषि को पर्याय माना जाता है, मतलब खाद्य पदार्थ का मतलब कृषि, तो कृषि का संबंध राज्यों की सभी शक्तियां जो कि संविधान में विस्तृत रूप से सूचीबद्ध है, सब बेकार हो जाती है, निरर्थक पड़ जाएगी। संसद संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि उपज और बाजारों के संबंध में एक कानून नहीं बना सकती, क्योंकि कृषि और बाजार राज्य के विषय हैं। भैया, जब ये राज्य के विषय हैं तो केंद्र ने उसमें हस्तक्षेप कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये संघात्मक व्यवस्था के खिलाफ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की निगरानी में सहकारी बैंकों को लाकर बैंकिंग नियम में संशोधन किया गया, तो कहीं ना कहीं सहकारी समितियां भारतीय संविधान के राज्य सूची में समवर्ती है, आती है,
ठीक है, चूंकि सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अर्थात भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के द्वितीय सूची में शामिल है, जिसमें राज्य को कानून है बनाने का अधिकार है, तो आरबीआई के जो नियम्स हैं कहीं ना कहीं सहकारी समितियां पर एक तरह से हस्तक्षेप है। अब आते हैं संघवाद से संबंधित बहुत से प्रावधान जो है उसको, बेसिक जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर देता हूं। राष्ट्रों को संघ या एकात्मक रूप में वर्णित किया जाता है, जनरली संविधान को या फिर राष्ट्र को एकात्मक या फिर संघात्मक व्यवस्था में बांटा गया है, जिसके तहत शासन का क्रियान्वयन किया जाता है। संघवाद का अनिवार्य रूप से अर्थ यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच एक दोनों एक दूसरे के, ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने काम करेंगे, दोनों के बीच एक समन्वय होगा, अपने आवंटित क्षेत्र के अंदर वो कार्य करने में स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। एकात्मक शासन प्रणाली में होता क्या है, सरकार की सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ 1962 एक केस है, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1962 ने उच्चतम न्यायालय में स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान संघ नहीं है। 1962 में भारत को संविधान का संघ नहीं बताया गया। हालांकि एसआर बम्बई बाद भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और न्यायाधीशों के पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है संघवाद, ठीक है, जब संघवाद मूल संरचना का हिस्सा है तो भारत संघवाद हो ही गया। इसमें कहा गया है कि सातवीं अनुसूची में ना तो विधायी प्रविष्टियां हैं और ना ही संघ द्वारा राजकोषीय नियंत्रण के संविधान के एकात्मक होने का निर्णायक। राज्यों और केंद्र की संबंधित विधायी शक्तियों का अनुच्छेद 245 से 254 में विधायी शक्तियों का जिक्र किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने देखा कि भारतीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका से काफी अलग है। भारतीय संसद के पास नए राज्यों के प्रवेश के अनुमति अनुच्छेद 2, नए राज्य बनाने, उनकी सीमाओं, उनके नाम में परिवर्तन करने, राज्यों को मिलाने और या विभाजित करने की शक्ति अनुच्छेद 3 में है। हालांकि हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन उनके निर्माण के लिए राज्यों की सहमति की कोई जरूरत ही नहीं है। दिस इज द टोटली अगेंस्ट द फेडरल सिस्टम। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई ऐसे प्रावधानों को ध्यान दिया है जो केंद्र को राज्य की शक्तियों को अधिभावी या फिर रद्द करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना। भले ही राज्य अपने निर्धारित विधायी क्षेत्र में संप्रभु हैं और उनकी कार्यकारी शक्ति उनकी विधायी शक्तियों के साथ सहव्यापक है, किंतु यह बात स्पष्ट है कि राज्यों की शक्तियां संघ के साथ समन्वय नहीं है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को अक्सर अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया जाता है। हमारा सिस्टम क्वासी फेडरल है। वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटेन वेयर इज यूनिटरी सिस्टम, जहां पर एकात्मक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में टोटली संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक लक्षण पूरी तरह से वहां दिखते हैं, लेकिन भारत में दोनों का मिला जुला लक्षण है। भारत का आत्मा जो है वो एकात्मक है, जबकि इसका स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर, वो संघात्मक है। आर्टिकल 2, 3, 4, 5, यहां तक कि समवर्ती सूची में संख्या, यहां तक कि राज्य सूची की संख्या और राज्यपाल की नियुक्ति, 356, 352, 360, ये सभी आर्टिकल्स इसका मतलब एक तरह से एकात्मक व्यवस्था की झुकाव की ओर दिखाता है। अखिल भारतीय संघ, ये सब 312 अनुच्छेद, वो भी राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो बराबर नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं एकात्मक व्यवस्था को दिखाता है। एकीकृत न्यायपालिका, ये भी कहीं ना कहीं आपको सेंटर की तरफ झुकाव दिखा रहा है, यानी संघात्मक व्यवस्था को दिखाता है। एकल नागरिकता, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ संघात्मक व्यवस्था, नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था। कुछ ऐसे लक्षण जो संघात्मक व्यवस्था, जैसे जीएसटी काउंसिल है, ये संघात्मक व्यवस्था को दिखाता है। नीति आयोग है, संघात्मक व्यवस्था के बारे में बताता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसका स्पष्ट बंटवारा किया गया है, उनके अधीन नहीं बताया गया है। संविधान में सातवीं अनुसूची का जिक्र है, यहां तक कि मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन, ये सब संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो अब हम आते हैं कि विवाद का समाधान कैसे किया जाए, संघात्मक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के बीच सातवीं अनुसूची में प्रवेश सूची को लेकर विवाद सुलझाने के लिए बहुत से मतलब अपने दो नए तंत्र का विकास किया है। एक तत्व और सार सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस,
दूसरा है छंदम विधान का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, दोनों के बारे में समझ जाइए। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस, हिंदी में कहें तो तत्व और सार के सिद्धांत के तहत कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा जाता है यदि यह विस्तारित रूप से एक सूची द्वारा कवर किया जाता है और दूसरी सूची को केवल आकस्मिक रूप से स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत एक कानून की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने से जुड़ा हुआ है। छंदम सिद्धांत, अगर कहे छंदम विधान का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल सब्सटेंस, जिसके तहत कानून एक अधिनियम कानून के खिलाफ विधायिका की क्षमता का परीक्षण करता है। इस सिद्धांत इस तथ्य को दर्शाता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया सकता है। इफ यू डू नॉट डू एनीथिंग इनडायरेक्टली यू कैन नॉट डायरेक्टली, जो प्रत्यक्ष नहीं कर सकते वो डायरेक्टली कैसे करोगे। यह सिद्धांत विधायिका की शक्ति के भटकाव को एक प्रचंड गुप्त या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रतिबंधित करता है। तो भारत जैसे विशाल विविध देश के लिए, एक बड़े देश के लिए संघवाद के स्तंभों जैसे राज्य की स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकीकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीकरण के बीच एक उचित संतुलन की जरूरत है। अधिकतम राजनीतिक केंद्रीकरण या अव्यवस्थित राजनीतिक विकेंद्रीकरण दोनों भारतीय संघवाद के कमजोर होने के कारण बन सकते हैं। संस्थागत और राजनीतिक स्तर पर सुधार भारत में संघवाद की जड़ों को गहरा करता है, जैसे कि आपको केंद्र सरकार की इच्छा के अनुरूप राज्यों पर दबाव बनाने के लिए राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका की समीक्षा करने की जरूरत है। विवादास्पद नीतिगत मुद्दे केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक सद्भाव विकास विकसित करने के लिए अंतरराज्य परिषद के संस्थागत तंत्र का उचित उपयोग होना चाहिए। केंद्र की हिस्सेदारी कम किए बिना राज्यों की राजकोषीय क्षमता में क्रमिक विस्तार के लिए कानूनी रूप से इसको मतलब मजबूत करना चाहिए। मतलब केंद्र के पास राजस्व के ढेर सारे स्रोत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, राज्य के पास राजस्व के स्रोत कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो दोनों में कैसे एक तरह से बेहतर मतलब तालमेल बैठाया जाए। आपको पता होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल प्रायोजित स्कीम, ये जो स्कीम है इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे राज्यों पर जो खर्च का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। आर्टिकल 356 का लगातार प्रयोग से कम हो, राज्यपाल की नियुक्ति के जो प्रावधान है उसमें और राज्यपाल के जो विवेकाधिकार शक्ति है उसको डिफाइन करने की जरूरत है, ताकि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नटकी ढंग से ना बदला जाए और राज्य की शक्तियों को कमजोर ना किया जाए। इसके अलावा और भी केंद्रीय कानून है, जैसे CAA है, NRC है, इसके अलावा भी जो कृषि बिल से जुड़ा मुद्दा है, और चाहे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग उसके द्वारा जो बनाया गया अभी कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, उसके बाद CBI से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और केंद्र अर्थात संघात्मक व्यवस्था को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए ताकि राज्य और केंद्र साथ साथ चल पाए और दोनों का विकास हो, क्योंकि राज्यों के विकास के बिना संघ का कोई विकास का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस वीडियो को देखिए, संघात्मक व्यवस्था को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू।